Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my birthday series, जहाँ पे I'll be posting 12 videos every day at 6 PM. एंड आज की वीडियो अगेन होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग. तो मैंने कुछ दिन पहले एक सेलिब्रिटी डाइट फॉलो कर रही थी आलिया भट्ट की, एंड अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक कर दूंगी, चेकआउट कर लेना. तो आज अगेन वी आर डूइंग अ सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो. तो आज मैं फॉलो करने वाली हूँ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का स्किन केयर एंड मेकअप. लाइक इट इज़ एन एवरी डे मेकअप ट्यूटोरियल एंड इट इज़ नन अदर देन आर फेवरेट गेस तो कर ही लिया होगा, माधुरी दीक्षित. सो या आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद माधुरी जी सिंस सो लॉन्ग. मतलब पहले उनकी जो मूवी थी हम आपके हैं कौन, दैट इज़ लाइक द ओल्डेस्ट मूवी दैट आई रिमेंबर ऑफ हर. मतलब मैंने हो सकता है उससे भी पहले की मूवीज़ देखी हूँ, बट मुझे सिक्वेंस में याद नहीं है. एंड आई लव हर वर्क, लाइक हाउ अभी भी शी हैज़ दैट ग्रेस, दैट पॉइज, एंड द वे शी कैरीज हर, आई जस्ट लव हर. एंड लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग हर फॉर सो लॉन्ग. एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है एंड आई एम सब्सक्राइब टू दैट. तो वहाँ पर वो काफ़ी सारे वीडियोज़ डालते रहते हैं अपने सेल्फ केयर की, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, काफ़ी ज़्यादा घरेलू नुस्खे भी शेयर करते हैं जो वो यूज़ करते हैं. तो आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये उनका एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल. एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल येट ग्लैमरस था, लाइक उन्होंने किया है तो ग्लैमरस तो होना ही है. बट या दैट इज़ वॉट आई एम गोना क्रिएट टूडे, बिकॉज आज मुझे कहीं जाना है. आई हैव टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइंड आफ्टर सो लॉन्ग. And it is like a very very basic kind of makeup, कुछ ज़्यादा ऐसे extravagant नहीं है. तो मैंने सोचा कि आज perfect होगा इस look को create करने के लिए. So yeah, अगर आप interested हो तो keep on watching this video till the very very end. And if you are new to my channel, as a birthday gift, please hit that red subscribe button and the notification bell right next to it, so that every time I upload a video, you get notified. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. Okay, तो मैं screen के इस side shift हो गई हूँ, so then Madhuri ji can have her own space here. And I'll be watching the video here itself, and I have to make sure कि मैं सारे steps को screen record कर लूँ ताकि video sync करने में कोई problem ना हो. पहली बार मैं ऐसा video कर रही हूँ, so bear with me अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है. So yeah. Let's start. Hi guys, I'm going for a meeting today and I'm going to do my own makeup. मैं खुद का मेकअप करने वाली हूँ, and I thought कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे खुद का मेकअप करती हूँ एवरी डे के लिए. ये इनफॉर्मल मीटिंग है, एंड आई थॉट मे बी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आई डू माई ओन फेस एंड वॉट आई लुक फॉर, एंड आई होप यू एंजॉय इट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट. ओ वी श्योर डेफिनेटली विल. लाइक माधुरी दीक्षित हमें मेकअप करना सिखा रहे हैं एंड वील नॉट लर्न एनी थिंग फ्रॉम इट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो आप देख सकते हो कि आई ट्राई टू यू नो कलर मैच विद हर एज मच एज पॉसिबल. तो उन्होंने जो आउटफिट पहना है उस कलर में दिस वॉज द ओनली थिंग दैट आई कुड गेट. एंड एनी वेज उनका समर आउटफिट है, यहाँ बहुत ठंडी हो रही है तो मैं वैसा तो कुछ नहीं पहन सकती थी. सो आई गॉट दिस एंड यू कैन सी इट इज़ नॉट इवन माइंड. एंड ये मैंने इतनी धीरे इसलिए बोला बिकॉज इफ यू नो यू नो. आई रियली लाइक द स्किन टू बी नाइसली मॉइस्चराइज्ड बिकॉज देन यू नो इवन द मेकअप ब्लेंड्स वेरी वेल ऑन द स्किन. Always upward strokes for your face. Okay, so सबसे पहले उन्होंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है, विच इज़ लाइक परफेक्ट. ऑब्वियसली यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस बिफोर यू स्टार्ट इन विद योर मेकअप, ये तो मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ. एंड उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो वीडियो में उन्होंने नहीं बताए हैं. एंड एनी वेज उन्होंने बताए भी होते तो ऐसा तो था नहीं कि आई वुड हैव गॉटन द सेम प्रोडक्ट्स. लाइक ऑब्वियसली शी वुड बी यूजिंग लाइक जितना का मेरा सारा मेकअप है उतने का उनका मॉइस्चराइजर ही होगा. बट एनी वेज मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उनको नीचे लिंक कर दूँगी. एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स दैट शी इज़ सेइंग. उन्होंने बोला अपवर्ड स्ट्रोक्स में वो मॉइस्चराइजर लगाते हैं बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर द स्किन एंड नेक पे एंड हैंड्स पे भी. सो वी आर वेल मॉइस्चराइज्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रेप माई अंडर आई विद अ स्पेशल प्रेप. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट, यू कैन चूज एनी यू लाइक, यू हैव टू टेस्ट इट फर्स्ट ऑलवेज फॉर एलर्जीज, एंड आफ्टर यू आर श्योर that this product is good for your skin, you get it. So under eye, so that it takes care of the puffiness, or if you haven't slept very well the previous night, or if you're just a little bloated, you know, it just takes care of all that. So I'm going to just tap it on a little bit. Just little tiny spots, tiny bits. Okay. So I'll just wait for 2 minutes. Okay.
सो उन्होंने अंडर आई पे अलग से मॉइस्चराइज़ किया है. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेकअप से पहले अगर आप अपनी अंडर आइज़ को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ करोगे तो आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टेड रहेगा. एंड नाउ माधुरी दीक्षित हैज़ कन्फर्म दैट, सो वी आर गोना डू दैट. मैं यूज़ कर रही हूँ ये अंडर आई, ऑब्वियसली मेरा उनके वाला तो नहीं है, बट दिस इज़ द वन दैट आई यूज़. ठीक है, तो अंडर आई क्रीम लग गई है एंड अभी उन्होंने बोला 2 मिनट वेट करने के लिए एंड मैंने अपने बाल पीछे कर लिए बिकॉज आई डोंट नो वो कैसे ऐसे मेकअप कर रहे हैं. मेरे तो सारे बालों से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो एनीवेज आई कीप देम बैक. एंड फर्स्ट आई एम स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट विद द अंडर आईज एंड देन द होल बेस. लेस इज मोर. हमेशा याद रखना कि जितना कम मेकअप यूज़ करेंगे उतना फेस ज़्यादा अच्छा लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि आप पता नहीं कितना मेकअप लगा के आए हैं. सो यूज़ वेरी लिटिल, क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही ज़्यादा लगा लिया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, दिस इज़ द वन थिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग लेटली, लेस इज़ मोर, क्योंकि ज़्यादा आप कर सकते हो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है. आई यूज़ अ नाइस कंसीलर विच इज़ मोर ऑफ अ लिक्विड एंड यू नो आई यूजली कीप दिस काइंड ऑफ अ पैलेट विद मी सो दैट आई डोंट डायरेक्टली टच स्टफ ऑन माई फेस. I use it indirectly. Also, it gives you an idea of how much makeup you're putting on your face. Okay, so उन्होंने बोला कि सबसे पहले वो कंसील करेंगी, although मैं पहले फाउंडेशन यूज करती हूँ, बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. एंड वो एक ऐसे पैलेट पे अपने प्रोडक्ट्स लेती हैं पहले लगाने से पहले. सो आज हम भी यही करेंगे, although मैं तो डायरेक्टली ही अपने फेस पे लगा लेती हूँ, बट आई सी वे शी कम्स फ्रॉम, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो उनके इन्फेक्ट होने के, कंटामिनेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. बट देन दैट्स वॉट आई हैव बीन डूइंग फॉर एवर. बट वो पहले कंसील कर रहे हैं तो मैं भी पहले कंसील करूँगी. सो नाउ आई गो फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड. सो फर्स्ट आई जस्ट काइंड ऑफ टैप इट ऑन. नाउ नोटिस आई पुट लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑन द इनसाइड, सो आई एम गोना मेक श्योर दैट आई रिमूव एनी एक्स्ट्रा मेकअप फ्रॉम एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट. आई डोंट पुट टू मच बिकॉज it's just for day, it's for every day and you don't want to look all made up, too made up. It's like putting makeup to make it a non-makeup look. I know, it's oxymoron, but that's what it is. Okay, so वो brush use कर रहे हैं अपने concealer के लिए. मैं generally beauty sponge use करती हूँ, but आज हम brush use करेंगे and inner corners पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा के then she is blending it all across her under eyes, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला it takes care of the discoloration. Again, मुझे भी उतना ज़्यादा under eye pigmentation तो नहीं है, but then जितना थोड़ा बहुत अंडर आई पे शेडो टाइप का रहता है उसको हम कवर कर लेंगे कंसीलर की हेल्प से. एंड डेफिनेटली नो मेकअप मेकअप लुक इज इन ट्रेंड दीज डेज, सो दैट इज व्हाट माधुरी दीक्षित इज आल्सो गोइंग फॉर. सो लेट मी कंसील माय अंडर आई. ऑलवेज रिमेंबर कि आपके चेहरे के दोनों साइड हमेशा सेम नहीं होते, एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए मेकअप कहते हैं उसे. यू मेकअप फॉर जो छोटे से आपके डिफरेंसेज है उसे मेकअप करने के लिए आप मेकअप यूज करते हैं. ओके, आई कैन सी व्हाट शी वाज डूइंग बिकॉज ब्रश से अप्लाई करने पे coverage is definitely a bit more than what we get with the beauty sponge and also it is looking very very natural. ये brush भी काफ़ी अच्छा है, ये concealer brush. I think it is working well. And एक चीज़ जो मेरे routine से थोड़ा सा different है, that moisturize करने के बाद I always prime my skin. बट उन्होंने कोई भी प्राइमर नहीं लगाया है, सो आज हम प्राइमर नहीं लगा रहे हैं. लोगों को लगता है कि जो फिल्म लोग हैं वो सिर्फ मेकअप की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं. स्क्रीन पे थोड़ा मेकअप लगता है क्योंकि इतने सारे लाइट्स होते हैं और यू नो इट कैन ब्लीच आउट योर स्किन द लाइट्स. ऐसे लगता है ब्लैंड हो जाता है फेस क्योंकि सब फीचर्स डिसअपियर हो जाते हैं. इसीलिए व्हेन यू आर वर्किंग इन मूवीज एंड ऑल या आप कैमरा पे हैं तो मेकअप लगाना पड़ता है. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे ब्लेंड करते हैं उसे, क्योंकि अगर ऐसा एक एक हिस्सा दिखाई दे अगर मेकअप का किया हुआ तो बहुत ख़राब लगेगा. तो एक ऐसे एकदम स्मूथनेस आनी चाहिए मेकअप को. ओके जी, सो द कंसीलर इज ऑल डन एंड माय अंडर आईज लुक क्वाइट नाइस. मैंने थोड़ा सा अपने यहाँ पे जो मेरा डार्क स्पॉट हुआ था ना उसको भी स्पॉट कंसील किया है. उसके अलावा मैंने कहीं कंसीलर नहीं लगाया बिकॉज दैट इज व्हाट शी डिड. मैं अपना बेस करूंगी फिर से एक पैलेट पे, थोड़ा सा दो ड्रॉप्स या दो पंप्स कह सकते हैं आप वो, क्योंकि जितना कम यूज करेंगे उतना बेटर है. और पहले मैं डॉट करूंगी ऑल ओवर द फेस थोड़ा थोड़ा, फिर इसे ब्लेंड करूंगी. सो इसके बाद उन्होंने अब अपना फाउंडेशन किया एंड अगेन शी हैज टेकन अ लिक्विड फाउंडेशन. मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ एंड उन्होंने दो पंप्स लिए हैं, ऑल्दो मैं एक ही पंप लगाती हूँ, बट ठीक है दो पंप ले लेते हैं एंड जितना यूज़ होगा उतना ही मैं यूज़ करूँगी. तो सबसे पहले उन्होंने अपने फेस पे डॉट किया ये प्रोडक्ट, तो मैं अभी वही सेम कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसको अपने फेस पे हल्का हल्का डॉट कर लूँगी. बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, क्योंकि मेकअप हमेशा स्मूथ लगना चाहिए, पैची नहीं लगना चाहिए. सो यू टू मेक श्योर कि आप
ओके सो एज आई सेड मुझे एक ही पंप लगा, पूरा लगा नहीं, बट अभी देखती हूँ उसको ब्लेंड करके, इफ़ आई थिंक आई वुड नीड मोर तो मैं थोड़ा और ले लूँगी। तो उन्होंने अपने फाउंडेशन को वैसे ही कंसीलर ब्रश जैसे ही छोटे ब्रश से ब्लेंड किया है, बट आई विल बी यूजिंग दिस वन फ्रॉम एल्फ। ये भी काफ़ी छोटा है बट देन इट इज़ वेरी डेंस, तो आई थिंक ये फाउंडेशन के लिए अच्छा रहेगा। इट इज़ अ बफिंग फाउंडेशन ब्रश ओनली, क्योंकि जो कंसीलर वाला ब्रश है उससे थोड़े स्ट्रीक्स पड़ जा रहे हैं, सो आई विल बी यूजिंग दिस वन। अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड करें, and I usually use circular strokes because that's good for your skin. And she was using circular strokes, so that's what I'll be doing. Okay, I think I'm more comfortable buffing my foundation like this. मुझसे circular strokes में थोड़े streaks से दिख रहे हैं। Anyway, she's doing her makeup beautifully, but मुझसे हो नहीं रहा है, so I'll be using the dabbing motion. ओके सो अभी फाउंडेशन भी पूरा अप्लाई हो गया है, एंड आई थिंक आई रियली लाइक माई फाउंडेशन विद दिस ब्रश। मैंने ब्रश काफ़ी टाइम से ले रखा है, मैं इसको अपने क्रीम ब्लशेज और कॉन्ट्रोल ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ, बट मैंने कभी फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं किया। बट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही सीमलेस सी फिनिश आई है, ऐसा लग नहीं रहा दैट आई हैव अप्लाइड फाउंडेशन। एंड एनी वेज मैंने काफ़ी कम फाउंडेशन अप्लाई किया था, सो लाइक माई मार्क्स आर अ लिटिल बिट विजिबल बट नॉट दैट विजिबल, सो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस और एकदम स्किन लाइक फिनिश लग रही है। सो आई रियली लाइक्ड अप्लाइंग माई फाउंडेशन विद माई ब्रश। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। तो ये हो गया, नाउ द बेस इज रेडी। आई एम गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर टू सेटल द मेकअप इन। इट्स अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, लगती है वाइट लेकिन इट्स नॉट वाइट। व्हेन इट गोज ऑन योर स्किन इट जस्ट पुट्स द मेकअप इन प्लेस। ओके सो अब उन्होंने यूज किया एक ट्रांसलूसेंट पाउडर दैट इज़ वाइट इन कलर, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट वाइट। तो मैं अपना फेवरेट ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ओके सबसे पहले तो माई अंडर आइज नीड सम सेटिंग बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू क्रीज अ लिटिल बिट। एंड उन्होंने कुछ भी ऐसा बेकिंग नहीं किया था, उन्होंने बस ऐसे लूज पाउडर अपने फेस पे डैप करके सारा मेकअप सेट किया था। दैट इज़ वॉट आई लाइक टू डू, आई ऑल्सो डोंट लाइक बेकिंग। बस याद रखना कि आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पाउडर, नहीं तो फेस ड्राई लगने लगेगा जल्दी। तो जस्ट इनफ कि आपका मेकअप सेटल हो सके। फुल फेस पे लगा लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द आईब्राउज। आईब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट डिफाइंस द शेप ऑफ योर फेस। मुझे थोड़े थिकनेस आईब्राउज में अच्छे लगते हैं, तो आई एम गोना डू माय आईब्राउज। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दम दम, तूने क्या समझा है। आज न छोड़ूंगी तुझे, तूने क्या समझा है मुझे। आई डोंट नो व्हाट सॉन्ग इज दैट, बट ओके अभी हम आईब्राउज कर रहे हैं। एंड उन्होंने पाउडर प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो मेरे पास एज सच कोई पाउडर ब्राउ प्रोडक्ट है नहीं, बट एज यू नो आई यूज़ दिस पैलेट। इसका ये वाला शेड इज़ लाइक द परफेक्ट मैच फॉर माई ब्राउज, सो मैं वही यूज़ करूँगी। एंड शी लाइक्स अ बिट थिकर ब्राउज एंड माई ब्राउज आर एनी वेज थिकर, तो मैं अपनी ब्राउज की नेचुरल शेप को फॉलो करके उन्हें फिल कर लूँगी। तो पहले क्या करना है आपको, जिस ब्रश आई ब्राउज ताकि आपका जो नेचुरल शेप है वो दिखने लगता है, देन यू स्टार्ट पुटिंग जितना यू कैन, यू शुड ऑलवेज बिल्ड अप। So the eyebrows are done. अब हम शुरू करेंगे आई शेडो। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन वेरी ओपन आईज काइंड ऑफ लुक। तो मैंने ये शेड यूज करके अपने आईज के लिए क्रीज क्रिएट किए हैं। आई हैव क्रिएटेड द क्रीज फॉर माय आईज। ठीक है, तो उन्होंने ब्राउन कलर यूज करके अपनी क्रीज क्रिएट करी थी। शी क्रिएटेड अ क्रीज यूजिंग द ब्राउन कलर, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। तो मैं एक ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज पे रन कर लूंगी। ओके नेक्स्ट, नाउ आई एम गोना डू माय आईलाइनर। उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अ ब्राउन कलर। And that's all that she does for her eyeshadow. And now she'll do her eyeliner. Again, this is more. Always remember that. So I'm going to hold my eye a little bit. Very close to my eyelash line. So उन्होंने brown gel liner use किया है to create her eyeliner. And मेरे पास brown gel liner नहीं है, तो मैं ये brown color का काजल pencil use करूँगी to create a liner very close to my lash line. Not eyeliner. Smudging. तो जहाँ पे आपने वो लाइनर लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको स्मज कर दीजिए। टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। तो अगर आप एक लाइन ऐसा रखेंगे तो लाइन की तरह दिखेगी, लेकिन आप उसको अगर स्मज कर देते हैं तो आपकी लैश लाइन एनहेंस होती है और ऐसा लगता है आपने बहुत मेकअप किया। नाउ दैट द आईलाइनर इज डन, हम लोग अभी अंडर द आई करेंगे, जितना क्लोज आप रख सके लोअर लिड को। इसके बाद उन्होंने वही सेम शेड अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया। लाइक दिस इज द इजीएस्ट आई लुक दैट यू कैन डू। एंड मोस्टली सेलिब्रिटीज ऐसा ही स्मोकी आई टाइप का लुक करते हैं, ब्राउन स्मोकी आई ज़्यादातर। जब भी मैं सेलिब्रिटी मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ आईज़ में ज़्यादा कुछ नया होता नहीं है, दे ऑलवेज हैव दिस ब्राउन स्मोकी आई काइंड ऑफ मेकअप। और उसके अलावा उनका बेस अलग रहता है, कभी मैट रहता है कभी ड्यूई रहता है। सो
या ऐसा लुक मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट अभी जब मैं मनाली भी गई थी तो वहाँ पे भी मैंने एक दिन ऐसा ही लुक क्रिएट किया था न्यू ईयर्स वाले दिन, एंड आई रियली लाइक इट। काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, एंड येट इट लुक्स लाइक यू हैव डन समथिंग टू योर आईज, सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है। For today's giveaway, the rules are pretty simple. You have to subscribe to my YouTube channel and comment below saying what was your favorite part in today's video. And you'll be given a bonus entry if you follow me on Instagram and share this video on your stories tagging me. अब जब हमारा आईशैडो हो गया, आईलाइनर हो गया, आंख के नीचे वाला लाइनर भी हो गया, I'm going to put mascara. तो mascara पहनने से पहले आप हमेशा अपने eyelash को curl करना। सो द आईज आर नाउ डन, नाउ लेट्स मूव टू द मस्कारा। तो उन्होंने मस्कारा लगाने से पहले अपने आई लैशेज कर्ल किए हैं, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। और बहुत केयरफुली करना क्योंकि यू नो दिस कैन बी डेंजरस, तो बहुत यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर व्हेन यू आर डूइंग दिस। सो गो क्लोज टू द लैश लाइन एंड जस्ट कर्ल, नाइस एंड कर्ल्ड। नाउ वी विल अप्लाई द मस्कारा। सो मस्कारा लगाते वक्त हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक में, फ्रॉम बेस टू अप, बेस टू अप। और केयरफुल रहना कि क्लंपी नहीं लगे आई लैशेज एक दूसरे से, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। ओके, सो द मस्कारा इज डन, एंड मैं मस्कारा लगाऊं और मेरे फेस पे ना लग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सो आई विल जस्ट फिक्स दिस एंड कम बैक। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? अब बारी है ब्लश की, बिकॉज यू वॉन्ट लुक नाइस एंड रोजी। अगेन लेस इज मोर, तो थोड़ा थोड़ा आई एम टेकिंग दीज टू शेड्स बिकॉज दीज आर लाइटर वंस। जस्ट मेक श्योर यू प्रेस द ब्रश, स्माइल एंड देन apply on your cheek, apples of the cheek, and the other side. You want the color to be seen, lekin bahut natural lagna chahiye, and I think that is enough for me. Okay, so abhi bari hai blush ki, and I must say I'm loving the eye makeup. मैं जब भी स्मोक आउट करती हूँ तो मैं ब्लैक काजल यूज़ करती हूँ, बट द ब्राउन काजल इज़ लुकिंग सो नेचुरल, यू कैन सी माई आईज़ लुक सो डिफाइंड एंड ब्यूटिफुल, काजल भी नहीं लगा रखा जबकि। सो अभी हम ब्लश लगाएंगे, एंड ब्लश उन्होंने अपने टेम्पल्स तक वो लेके गए थे, बट उन्होंने काफ़ी लाइट हैंडेडली ब्लश लगाया है क्योंकि कलर दिखना चाहिए बट नहीं दिखना चाहिए बेसिकली। ओके डन, सो दिस इज़ द लाइटेस्ट दैट आई हैव गॉन फॉर माई ब्लश एवर, वरना मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ बिकॉज आई लव दोज रोजी चीक्स, बट जैसा कि उन्होंने बोला आज हम यही करेंगे। अब लास्ट स्टेप आई थिंक लिपस्टिक ही बचा है। अब बारी है लिपस्टिक की, तो मैं यूज़ करूँगी ये जो मेरा फेवरेट कलर है, इट्स ऑन द पिंकर साइड एंड वेरी क्लोज टू माय ओन लिप टोन। तो आपकी जो नेचुरल लिप लाइन है उसे फॉलो करें। ओके, सो उन्होंने लिप लाइनर जो यूज़ किया है उनका पूरा लिप कॉम्बो लुकड मोर लाइक न्यूड ब्राउन काइंड ऑफ, मतलब एकदम उनके लिप शेड की तरह ही। आई ट्राई टू रिक्रिएट दैट। दूसरे साइड ट्विस्ट योर हेड अदर वे, बॉटम लिप वेरी लाइटली क्योंकि डे है एंड यू डोंट वांट टू लुक टू ओवरली डन। फॉलो योर लिप लाइन, आप चाहे तो सेम कलर लिप में फिल कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ब्लेंडिंग अच्छा हो। दैट्स डन। बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाई है, सो आई डोंट वांट टू गेट दैट फील। दैट्स इट, जस्ट डैब इट। ऑलवेज चेक योर टीथ फॉर लिपस्टिक, तो हमेशा बात करके थोड़ा सा exaggerated movement of the lips. उन्होंने भी एक bullet lipstick use किया था, I used bullet lipstick as well, but I think mine looks a little different in color than her. उन्होंने बोला था to use like your lips but better kind of shade, and this is my lips but better kind of shade, obviously because हमारे skin tones वगैरह अलग हैं, so the colors would look different on us, but this is the complete makeup look, and now you have to do that exaggerated lip movement. And check that your teeth are free of any lipstick. So yeah, this was the look that she created. My look is complete. I hope आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो। मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस रूटीन का। ऑलमोस्ट द रूटीन वॉज सिमिलर टू माइंड, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेज थे, लाइक शी डिडंट यूज़ अ प्राइमर, शी यूज अ कंसीलर फर्स्ट यू नो बिफोर द फाउंडेशन, एंड देन द आई मेकअप वॉज प्रेटी मच द सेम, लिपस्टिक ऑल्सो प्रेटी मच द सेम। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करना पसंद करती हूँ बिकॉज आई हैव चबी चीक्स, उनको तो ज़रूरत नहीं है, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड फेस। बट ब्लश भी उन्होंने थोड़ा लाइट लगाया है, आई गो वेरी हैवी विद माई ब्लश। सो यही थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, एंड लाइक इसी से यू नो पता चलता है कि हाउ डिफरेंट रूटीन्स वुड लुक ऑन यू, क्योंकि मैं जनरली अपना ही रूटीन डेली फॉलो करती हूँ,
So trying out someone else's makeup routine on me, it looks beautiful. Unhone sirf brushes use kiye, she did not use a blender at any point. So that is something I like, not for my under eyes but for my face. Mujhe foundation brush se blend karke zyada acha lag raha hai. So I think that I would take away from this video, and I really really like how the brown eyeliner is looking. So yeah, this was all for today's video. Mujhe comment karke batana aapko aaj ka video kaisa laga. Agar acha laga to like bhi kar dena, and also mujhe comments mein batana if you want me to recreate any other celebrity makeup look, skin care or maybe diet or their routine, anything basically. Drop them in the comment box below, whatever other videos you want me to make. And yeah, agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai to please hit that red subscribe button and the notification bell right next to it, so that every time I upload a new video you get notified. Now I'll see you tomorrow at the same time with a brand new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.